नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BEd, BSc BEd, BA BEd इंटर्नशिप से संबंधित जो परेशानी आ रही है, जो समस्या का समाधान है वो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये समस्या है यूज़र नेम और पासवर्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास इंटर्नशिप के जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो आ तो गए हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश। तो क्या गलती उन्होंने की है, और यदि आपने अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं किए हैं इंटर्नशिप के लिए, तो वो आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो यदि उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चले दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेकर चलता हूँ इंटर्नशिप की मेन वेबसाइट पर, और पूरा जो प्रोसेस है वो समझाता हूँ। तो दोस्तों इंटर्नशिप के यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए हम आ गए हैं इंटर्नशिप की मेन वेबसाइट पर। यदि दोस्तों अभी तक आप इंटर्नशिप की वेबसाइट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है इस वेबसाइट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही उस ऑफिशियली वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों आपको यूज़र नेम और पासवर्ड किस प्रकार से प्राप्त करना है, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके जो यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे ही प्राप्त होते हैं OTP के माध्यम से, तो वो क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, जैसे लॉगिन करते हैं तो वो चेंज नहीं करते हैं। जो आपके मोबाइल के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड आते हैं OTP के माध्यम से, उसको लॉगिन करने के बाद में वहाँ पर चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है, उसको आपको अपने अनुसार चेंज करना होता है, तभी वो सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त कैसे करना है। यहाँ पर नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कैंडिडेट लॉगिन का। जैसे दोस्तों आप इस कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद में इस कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो ऑप्शन है वो आपके सामने नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है, और यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड मांगा जा रहा है। यदि आपके पास ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में, और नीचे की साइड एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अपना इंटर्नशिप का फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड ही नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड और सर्च यूज़र नेम का, तो यहाँ से आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सलाह दूंगा आप फॉरगेट पासवर्ड पर ही क्लिक करें, इससे आपके दोनों के दोनों जो यूज़र नेम और पासवर्ड हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों दोनों तरीके हैं, यहाँ पर आप किसी भी तरीके से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। समझाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ फॉरगेट पासवर्ड पर। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फॉरगेट पासवर्ड पर, तो आपके सामने इस तरीके के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे, आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर भरना है जिस ज़िले के अंदर आपकी कॉलेज है। तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर भर देता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर भर दिया है, ये डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद में जो कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैंने समझाने के लिए यहाँ पर भर दिया है। इंस्टीट्यूट का नाम जो भी है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी आपकी है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं फटाफट से यहाँ पर सर्च करके आपको बता देता हूँ। देखिए उसके बाद में जो एडमिशन सेक्शन है, एडमिशन सेक्शन के अंदर यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हैं 2021 और 2022 आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप दोस्तों 2021-22 यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है आपका जो भी नाम है उसके शुरुआत के अंग्रेजी के दो अक्षर यहाँ पर आपको लिखने हैं, केवल दो अक्षर आपसे मांगे जा रहे हैं। तो दो ही अक्षर आपको यहाँ पर भरने हैं, उसके बाद में ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है। तो मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ। देखिए तो दोस्तों आपके नाम के शुरुआत के दो अक्षर यहाँ पर फिल करने हैं, कैप्चा कोड आपको सही से फिल करना है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है सर्च का, इस सर्च के ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों मैं इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो आपके सामने नीचे की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी नाम होगा आपका वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों जो भी आपका नाम है और आप यूज़र नेम पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हो, तो आप देख सकते हैं आपके कॉलेज के रोल नंबर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपकी माताजी का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल नंबर कौन से कॉलेज के अंदर जुड़े हुए हैं वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, गेट यूज़र नेम, अर्थात आपको चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड, तो गेट यूज़र नेम पासवर्ड पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप गेट यूज़र नेम पासवर्ड पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो
तो आपके मोबाइल पर जो OTP है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो जो भी आपके रजिस्ट्रेशन जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर होंगे। और मोबाइल नंबर को डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर यस का एक ऑप्शन आ रहा है, इस यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल पर क्या चला जाएगा, OTP चला जाएगा। उस OTP के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड होंगे, तो आपको क्या करना है, कैंसिल करके दोबारा से बैक आना है। बैक आने के बाद में जो दोस्तों यूज़र नेम और पासवर्ड आए हैं उनको यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप फिल करोगे और नीचे लॉगिन पर आप क्लिक करोगे तो चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा, चेंज ज़रूर करना तभी वो सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।